आए दिन देखा जा सकता है कि जहां बसों में सवारियों को बैठने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ती है और बस ऑपरेटरों द्वारा किस तरह से सवारियों को ठूस ठूस कर भरते हैं और पैसे भी पूरे वसूलते हैं, लेकिन वहां तक तो ठीक है। लेकिन गुना बस स्टैंड पर एक अजीब नज़ारा देखा गया, जहां लोकल बस आकर रुकती है और सवारियों के साथ साथ बस की डिग्गी में से बस ऑपरेटर द्वारा काफ़ी संख्या में भेड़ बकरियों को निकालकर एक ऑटो में रखकर ले जाया जाता है, जहां गुना के बस स्टैंड पर 24 घंटे पुलिस मौजूद रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ओर पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया। अब हमने इन नज़ारों को देखकर तुरंत बस संचालक के ऑफिस में जाकर वहां मौजूद एक कर्मचारी से इस बात के लिए सवाल किए तो वह मुखर गया और कहने लगा कि हमारी बस में ऐसे कोई जानवर नहीं लाए गए और कई बार इस तरह की शिकायतें भी परिवहन विभाग और प्रशासन से होती रही हैं। लेकिन आखिर वो क्या वजह होती है कि इन बस संचालकों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और सवारियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। भैया इनमें अपन बकरा बकरिया भर के भी लाते का बकरा बकरिया गाड़ियों में है? पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अपन लेके आते क्या नहीं लाते है? नहीं लाते, पीछे डिग्गी में रख के नहीं लाते नहीं। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, बकरा बकरिया भी इनमें आते हैं क्या? वही पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो अपने पास अलाउ नहीं है ना? आपकी गाड़ी में सुध नहीं है? कौन सी गाड़ी में? जो अभियान बस में से, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कम से कम 15-20 बकरा उतरे, वो टैक्सी में चले गए वो, तो मैं पूछ रहा हूँ सामान की जगह बकरा बकरी अभी चालू हुआ है अपने, बताइए आप। गगन वाला नहीं करना चाहिए, 11:30 क्यों सर जी? सर जी हाँ नहीं, अभी तो मेरी नॉलेज नहीं है। अच्छा भैया आपके नॉलेज में से होगा, हम तो अंदर बैठे हैं। वो तो गाड़ी नंबर है, वो तो अपने आप को गाड़ी से आ जाओ, काम चिंता कर रहा था।